दोस्तों कैसे हो आप सब। सुबह 7 बजे जी मुझे भोजपुरी के खेसारी भाई का एक गाना आया, जिस गाने का नाम है पीएलए बानी गाजा। अब गाना सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि ये गाना कहीं ना कहीं पहले सुन चुका हूँ, इस टाइप का गाना मैं सुन चुका हूँ। तो बता देना चाहता हूँ, 3 साल पहले होली में एक गाना आया था खेसारी भाई का, जिस गाने को लिखे थे आजाद सिंह। गाने का नाम था दरोगा जी छोड़ दी। उसी गाने के लय पे इस गाने को बनाया गया है। शायद आजाद सिंह के पास नया गाना नहीं था, तो उनके दिमाग में चला कि क्या गाना लिखूं। तो उनका जो वो होली का गाना था दरोगा जी छोड़ दी, वो गाना सुपर हिट है। अभी भी जाके देखो तो 50 मिलियन से ज़्यादा उस पर व्यूज़ हैं। इसलिए आजाद सिंह सोचे क्यों ना मैं इसी टाइप का गाना फिर से लिखूं, जो कि भाई मार्केट में ज़्यादा बसता है इसी टाइप के गाने। अगर आप गाना देखो खेसारी भाई का जो अभी गाना आया है पीएलए बानी गाजा, हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। उनकी जो कॉमेडी है गाने में, जो हरकत है, ऐसी निखर के आती है कि भाई खेसारी भाई के गाने में हमेशा देखने को मिलती है, उनके ही गाने में कॉमेडी देखने को मिलती है। अब गाने को देखा जाए तो 1 घंटे के अंदर कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, क्योंकि जी म्यूजिक भोजपुरी पे खेसारी भाई का बहुत कम गाने आते हैं। इसीलिए शायद जो जी म्यूजिक कंपनी का यूट्यूब चैनल है वो एकदम शायद डैमेज के बराबर हो गया, फ्रीज हो गया, कि जो उस पर गाने आते हैं तो वो शायद वो गाने पे व्यूज नहीं जाते हैं। बता देना चाहता हूँ, इस गाने पे 1 घंटे के अंदर व्यूज दिखा रहा है कुछ 4.4K और कुछ लाइक है 13-14 हज़ार 1 घंटे के अंदर। वैसे गाने में भाई जो हरकत है, जो खेसारी लाल यादव ने एक्टिंग किया है दारू मतलब गाजा पी के, वो मुझे भाई हंसास के लोड कर दिया। पूरा मजा ही आ जाता है जब खेसारी भाई का गाना देखो। और जब होली का गाना आया था उस टाइम पे भी ये गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, और मुझे उम्मीद है अगर इस YouTube चैनल से छोड़ के किसी दूसरे YouTube चैनल से इसको रिलीज किया जाता, वैसे अगर कॉपीराइट देखा जाए तो पहले जो है जी म्यूजिक भोजपुरी पे वो होली वाला गाना आया था, इसीलिए ये गाना भी जी म्यूजिक भोजपुरी पे ही आया है। अब बात रह गई कि आजाद सिंह के पास ऐसा गाना नहीं है कि वो कुछ नया ट्राई करे, कुछ नया लिखने की कोशिश करे, वही जो है कॉपी पेस्ट चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि पवन सिंह दो गाना कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, खेसारी भाई का 3-4 गाना कॉपी पेस्ट निकल चुका है। तो कुछ ऐसा ट्राई करिए कि जो कि भाई कुछ दुनिया से अलग हो सकता है हम सबको पसंद नहीं आएगा आपका लिखा हुआ गाना, लेकिन ट्राई तो कर सकते हो कि जो कि भाई सबको पसंद आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो गाना आप लिखे हो वो अच्छा नहीं है, वो आप कॉपी पेस्ट किए हो, ये बंद होना चाहिए। आपका ही गाना है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, दूसरे का गाना तो कॉपी पेस्ट किए नहीं हो। गाना जबरदस्त है, क्योंकि गाने में जो हरकत है, जो कॉमेडी है, जो दिखाया गया है पुलिस का सीन, सब कुछ मुझे बेस्ट लगा, जो कि खेसारी लाल यादव अपने गाने में हमेशा दिखाते हैं। ऐसे ऐसे गाने जो है पहले रिलीज करना चाहिए। आप लोग, अब बोलबम खत्म होने वाला है, सावन का महीना खत्म हो रहा है, लास्ट में लेके ऐसे गाने आ रहे हो, जो कि भाई खेसारी अभी कितने गाने रिलीज होना बाकी खेसारी भाई का, जो कि भाई नंबर 1 सॉन्ग थे, लेकिन क्या किया जाए, सब गाने को डिले किया गया है। और 30-35 गाने आने में रोज एक गाना रिलीज करो तो भी जाके उतना गाना नहीं पहुंच पाएगा। मुझे लग रहा है कि कुछ गाने जो इस साल पेंडिंग में रहेंगे, जो कि इस साल रिलीज नहीं कर पाएंगे खेसारी भाई। बाकी गाने को जाके देखो, म्यूजिक दिए हैं आर्या शर्मा जी, बाकी गाने को लिखे आजाद सिंह, बाकी गाने में खेसारी भाई का कॉमेडी देखो, लोटपोट हो जाओगे हंसते हंसते। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी आपका क्या है राय कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियो के लिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं।